टाटा हैरियर कैमो एडिशन। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा हैरियर कैमो एडिशन, AXZ A+ वेरिएंट ऑटोमेटिक। आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। टाटा की तरफ से ये काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी मंथली सेल एवरेज 2500 से 2600 तक होती है। आज हम आपको इसी कार के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं हैरियर कैमो एडिशन। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी की। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और लाइट्स का ऑप्शन मिलता है बूट ओपनिंग के साथ। यहाँ पर आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर, आइए मेरे साथ, यहाँ पर आपको दिखेगा DRL जो कि कन्वर्टेबल है, जो कि साइड लाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको HID लो बीम मिलती है, हाई बीम आपको अभी भी हैलोजन मिलती है। यहाँ पर आए हैं तो हम देख ही लेते हैं हेडलाइट सेटअप। यहाँ प्रोजेक्टर आपको मिलता है हेडलाइट लो बीम के लिए। यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फॉग लैंप मिलता है जो कि हेलोजन में। कॉर्नरिंग फॉग लैंप का मतलब होता है कि जो भी साइड आप टर्न लेंगे उस साइड का फॉग लैंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, भले ही आपके फॉग लैंप बंद क्यों ना हो। चलिए ये देखते हैं हम इसकी बड़ी सी बोल्ड ग्रिल। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है कैमो एडिशन में। यहाँ पर आपको टाटा का बढ़िया सा लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट के लिए जगह है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको कार की। यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर एयर इंटेक मिलता है आपको दोनों जगह। कैमो एडिशन में ये आपको काफ़ी बढ़िया कलर ग्रीन मिलता है जो कि देखने में और शाइनिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए देखते हैं आप थोड़ा सा इसका साइड लुक। फ्रंट लुक काफ़ी बल्की और काफ़ी बढ़िया फ्रंट लुक मिलता है आपको। साइड से भी आप देखें तो कार आपको काफ़ी बड़ी दिखती है, बेहतरीन लुक्स है। जब से टाटा ने JLR को अपने अंदर लिया है तब से ही टाटा अपनी गाड़ियों में बहुत ही अच्छी तरह से चेंजेस करती है लुक्स में। देखते हैं इसके अलॉय व्हील्स। तो अलॉय व्हील्स का साइज़ है 235/65R17 के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्लैक फिनिश में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बेहतरीन इसकी डिज़ाइन है। डिस्क ब्रेक्स मिलती है आपको, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। ये कुछ आप देख सकते हैं इसका साइड लुक पूरी तरह से। ये आपको यहाँ पर ORVM देखने को मिलता है साइड इंडिकेटर के साथ। LED साइड इंडिकेटर मिलता है आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी कैमो की एडिशन, क्या कहते हैं हम इसको, मार्किंग मिलती है, बैजिंग कैमो एडिशन की। एक बहुत ही बढ़िया सा लाइनिंग मिलता है आपको। क्रोम की फिनिशिंग मिलती है यहाँ पर पूरी आपको। यहाँ पर आपको हैरियर लिखा हुआ देखने को मिलता है। डिज़ाइनिंग में आपको टाटा का कोई भी पॉइंट देखना नहीं पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन अब से टाटा करने लगी है। पहले नेक्सॉन, हैरियर और अभी सफारी, सभी डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन होते हैं टाटा के। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल लाइट्स जो कि JLR इंस्पायर्ड है। आपको जैगवार में रात में अगर आप हेडलाइट्स को देखें तो आपको जैगवार जैसी हेडलाइट्स मिलती है। यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप और शाफिन एंटीना मिलता है। यहाँ पर आकर हम देखें तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है आपको, बीच में टाटा का लोगो। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी हम अंदर जाके देखेंगे उतनी अप्रिशिएबल नहीं है। यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट मिलती है। यहाँ पर आपको हैरियर की बैजिंग मिलती है, बहुत ही बेहतरीन बैजिंग। एक डाउन साइड अगर हम टाटा का देखें यहाँ पर तो इतनी बड़ी गाड़ी है पर आपको पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग सेंसर सिर्फ दो ही मिलता है। तो कम ऑन टाटा, इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हो, दो पार्किंग सेंसर और दे दो। चलिए देखते हैं इसका पूरी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको लुक देती है। यहाँ पर आपको दो रियर फॉग लाइट्स मिलते हैं यहाँ पर और एक उस साइड। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और
जैसे कि हमने देखा कि लुक्स के बारे में टाटा कहता रहता है। फोन आई है, चालू राख दे। लुक्स के बारे में टाटा कहता रहता है, उसी तरह से हम देखें तो यहाँ पर आपको फेक एग्जॉस्ट मिलता है। यह फेक है पूरी तरह से। अगर हम स्पेयर व्हील देखें तो यहाँ नीचे आप स्पेयर व्हील भी देख सकते हैं। नीचे से देखने पर काफ़ी बड़ी और ऊंची गाड़ी देखने को मिलती है आपको। चलिए आप देखते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पर आप टच करें और कार अनलॉक हो तो यहाँ पर आपको बटन मिलता है जहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही हैवी बूट मिलता है आपको। कितने लीटर का बूट स्पेस है वो आपको वीडियो में नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिलती है और यहाँ पर JBL का सब वूफर आपको देखने को मिलता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे आपको। चलिए वो भी देखेंगे हम अभी अंदर जाके। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी मिलता है बूट क्लोज करने के लिए। इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है क्योंकि काफ़ी भारी बूट है इसका। चलिए दोस्तों अब हम इसका मेन फीचर सनरूफ देखेंगे। पैनोरामिक सनरूफ मिलता है आपको इसमें। अभी हम ओपन करेंगे इसका सनरूफ। बहुत ही बड़ा सनरूफ आपको देखने को मिलता है। रिक्वेस्ट है आप इससे बाहर ना निकले। चलिए देखते हैं हम इसका इंजन सेटअप। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 172 PS का पावर और 350 Nm का टॉर्क। ऑटोमेटिक के साथ ये कार बहुत ही बेहतरीन तरह से स्पीड मेंटेन करती है। पिकअप भी काफ़ी बढ़िया है हैरियर का। अब हम शिफ्ट करेंगे इंटीरियर्स में। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। चलिए देखते हैं अब इसके इंटीरियर्स। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। बहुत ही वाइड ओपनिंग है डोर की। डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं बेहतरीन। लॉक अनलॉक बटन, सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ORVM से रिलेटेड। यहाँ पर आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है, JBL का स्पीकर सिस्टम आपको देखने को मिलता है इधर। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा, आराम से आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस और भी मिलती है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट्स, 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है। ये है इंटीरियर्स के फर्स्ट लुक। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं आपको इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन। ये है AC वेंट्स। चलिए बैठते हैं इसके अंदर और सुनते हैं थर्ड नॉइस। बहुत ही बेहतरीन थर्ड नॉइस है इसका। पहले कर लेते हैं कार को स्टार्ट। हो गई कार स्टार्ट। डीजल इंजन होने के कारण थोड़ी सी आपको आवाज़ ज़रूर से आएगी पर वो आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी। यह है टाटा हैरियर का स्टीयरिंग व्हील। इसका फीडबैक हम आपको ड्राइव रिव्यू में ज़रूर से देंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता आपको, बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है फुल राउंड। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं मीडिया से रिलेटेड, वॉल्यूम अप डाउन कॉल, और यहाँ पर आपको कर्सर मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू MT और सभी तरह की इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती है। फ्यूल इकोनॉमी की बात भी हम आगे ड्राइव रिव्यू में करेंगे। पावर टॉर्क और सभी तरह के आपको आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स और इको का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप्स, फॉग लाइट ऑन करने के लिए। यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलता है, अच्छा सा टच स्क्रीन है। आफ्टर हैरियर्स लॉन्च टाटा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है टच स्क्रीन को। यहाँ पर आपको AC से रिलेटेड और डिवाइस से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर
ऑटोमेटिक एसी मिलता है, काफ़ी बढ़िया एसी मिलता है आपको। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग रोड मोड्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ये रेन मोड, रफ मोड और ये नॉर्मल रोड मोड। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिलता है, 6-speed ऑटोमेटिक मिलता है, Hyundai सोर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये बेहतरीन ट्रांसमिशन मिलता है आपको यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं IRVM, डे एंड नाइट IRVM मिलता है आपको बेहतरीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड डोर, ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स, ये आप ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, इसमें आपको पार्सल लैपटॉप होल्डर भी मिलता है, अच्छी स्पेस वाला ग्लव बॉक्स मिलता है आपको। ये है काफ़ी यूनिक फीचर, आपको एयर टाइप डिज़ाइन में हैंड ब्रेक्स मिलती हैं आपको हैरियर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स, काफ़ी अच्छा और डीप ग्लव बॉक्स मिलता है आपको। ये बॉटल होल्डर्स है, 3 बॉटल होल्डर्स मिलता है आपको यहाँ पर। देखते हैं आप इसका वैनिटी साइड व्यू, वैनिटी साइड मिरर मिलता है आपको दोनों लाइट्स के साथ, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिलता है सनरूफ के कंट्रोल्स, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है आपको, बेहतरीन सनरूफ है टाटा हैरियर की, बहुत ही बड़ी सनरूफ आपको देखने को मिलती है टाटा हैरियर में। कोई भी तरह के एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको इतना ही देखने को मिलेगा टाटा हैरियर में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, अभी कोई भी मोड आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये अंदर भी दिखाता रहेगा। यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल लिमिट्स मिलती हैं, यहाँ पर अगर हम देखें सेटअप्स में सेटिंग्स, ये एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो व्हीकल सेटअप, व्हीकल सेटअप में आपको पार्क असिस्ट, लाइट्स, ड्राइव और काफ़ी बढ़िया और अलग अलग से फीचर्स देखने को मिलते हैं सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ आपको सिंपल फास्ट एक्सेस के लिए बटन्स दिए गए, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, फ़ोन बैक जाने के लिए और ये स्टार बटन, आप अपनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या फंक्शन करेगा वो। चलिए चलते हैं इसके रियर सीट्स में, यहाँ पर आपको JBL का ट्विटर्स मिलते हैं, दोनों ट्विटर्स JBL के दोनों साइड पर। चलिए ये कुछ आप इसकी साउंड देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी साउंड मिलती है आपको इसमें टाटा हैरियर में। रियर सीट स्पेस अगर हम देखें तो बेहतरीन रियर सीट स्पेस मिलती है आपको। रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पर साइड में ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको रियर ट्विटर भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फ़ोन होल्डर मिलता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर और स्पीकर मिलता है। चलिए बैठता है इसके रियर सीट्स पर, ये कुछ आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट। और अगर हम हेडरूम के बारे में बात करें तो ये कुछ हेडरूम मिलता है मेरे को, मेरी हाइट 5'10" है, इसलिए आप ज़रा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिलती है, चलिए देखते हैं उस साइड भी आपको एक लाइट मिलती है, ग्रैब हैंडल मिलता है, एक हुक भी मिलता है आपको यहाँ पर, यहाँ पर बीच में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, बेहतरीन आर्मरेस्ट ग्रिपिंग के साथ, रबर ग्रिपिंग है यहाँ पर। ऑल 4 सीट बेल्ट मिलते हैं, बीच में आपको लैप बेल्ट मिलता है। ये कुछ है टाटा हैरियर के, देख सकते हैं आप फ्रंट लुक्स, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन देखने को मिलती है। टाटा को इसे अपडेट करना चाहिए ज़रूर से, थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस और ऐड हो जाएगी टाटा हैरियर में। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ था इंटीरियर का मामला, ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलते हैं आपको इसमें, लुक्स काफ़ी बढ़िया है टाटा हैरियर के, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ था मेरी तरफ से टाटा हैरियर कैमो एडिशन का एक्सटीरियर और इंटीरियर रिव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा टाटा हैरियर कैमो एडिशन का ड्राइव रिव्यू ऑटोमेटिक का। मेरा नाम था आदित्य और आप देख रहे थे ऑटोमोटिव यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।